हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू हम तुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मलाई पनीर, जो बनाने में बहुत ही आसान है और 10 मिनट के अंदर फटाफट रेडी हो जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके लिए हमें पहले लेना है 250 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसे मैंने डाइस कर लिया है क्यूब्स में। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक है जो मैंने थोड़ा पानी मिला के पतला कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट मिलाएंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, और इन सब को लेकर हम अच्छे से मिला लेंगे, टॉस कर लेंगे इसे। इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल मिलाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पकाएंगे। माइक्रोवेव में इसे पकाने के बाद आप देखेंगे जो पनीर का, अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो सारा रिमूव हो जाएगा, वो अच्छे से पक जाएगा और कच्चे जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की वो नहीं आएगी। चलिए तो 2 मिनट बाद अब हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी मलाई पनीर को बहुत ही अच्छा एक अरोमा और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। इसके अंदर हम डालेंगे 6 चम्मच के करीब कर्ड। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 6 चम्मच से ज़्यादा या 6 चम्मच के करीब आप इस्तेमाल कर सकते हैं कट को। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप 6 चम्मच से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4 टेबलस्पून के अराउंड। फिर इसमें हम 1 कटोरी के अराउंड क्रीम मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो घर में दूध पे से मलाई निकलती है उसे हल्का सा दूध में फेंट के वो भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। जिन लोगों ने 6 टेबलस्पून से ज़्यादा कट का यूज़ किया है वो इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए माइक्रोवेव में रखें, जैसे 5 मिनट, और जिन लोगों ने 4 टेबलस्पून के राउंड यूज़ किया है कट, वो लोग सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। और चलिए 3 मिनट बाद मेरा मलाई पनीर रेडी हो गया है। आप पता कैसे करें कि ये रेडी है या नहीं? देखिए, किनारियों पे जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, किनारियाँ छोड़ देगा तेल, इसका मतलब है हमारा मलाई पनीर रेडी है। अब इसके अंदर हम 1 पिंच शुगर डालेंगे टू बैलेंस द पेपर एंड सॉल्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मलाई पनीर अच्छे से रेडी हो गया है, रेडी टू सर्व है, रेडी टू ईट है। तो चलिए अब मैं इस गर्मा गर्म मलाई पनीर को प्लेट में निकाल लेती हूँ। गार्निश के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 1 मिंट लीफ, जो मैं सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी कुछ जिंजर जूलियंस और ऊपर से कटा हुआ धनिया। ये जो मैंने इसके ऊपर से अदरक के जूलियंस डाले हैं, ये ज़रूर डालिए, ये टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, फ्लेवर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और ऊपर से ये जो कोरिएंडर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ये भी ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट डोंट डू इट। और लीजिए, आपका मलाई पनीर रेडी है, रेडी टू सर्व है, इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।